दफ्तर में तो आपकी बड़ी सुपरस्टार जैसी हैसियत रहती होगी, लोग बताते होंगे एक दूसरे को कि मैं सुरेंद्र मोहन पाठक के साथ काम करता हूँ, ऐसा उड़ के ज्यादा दिखाते थे, उड़ के ज्यादा दिखाते। अब मैंने आपको एक राज की बात बताता हूँ, इतने सालों में मैंने अपनी जुबानी किसी को ये नहीं कहा कि मैं राइटर हूँ ना वो लिखता हूँ। जब नौकरी करता था तब भी रिटायरमेंट के टाइम तक मैं फेयरली पॉपुलर हो गया था, पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलने लगे थे, मेरी एक साल की तनख्वाह मेरे एक नावल की फीस के बराबर हो गई थी, मैंने फिर भी नौकरी नहीं छोड़ी। लेकिन उस दौर में भी किसी ने मेरे से पूछा आप क्या करते हो, मैंने नहीं कहा मैं नावल लिखता हूँ, मैं ITI में नौकरी करता हूँ, सरकारी नौकरी। कोई अपनी वो पूछे आप वो पाठक को जो नावल लिखता हूँ तो मैं कहूँगा हाँ जी वो हूँ, मैंने खुद नहीं कहा किसी को कभी कोई नावल आज तक नहीं कहा। नौकरी क्यों नहीं छोड़ी पाठक साहब? ये बड़े विकट प्रश्न है, जरा धीरे से सुनना जी। देखो ये नौकरी बहुत खराब थी, डीप मॉरलाइजिंग नौकरी थी, चपरासी से जरा बेहतर नौकरी थी। मेरे बाप का डंडा मजबूत नहीं होता तो मैं कभी ना करता वो नौकरी। मैं मैकेनिक भर्ती हुआ था जबकि मैं MA पास था, उसकी इंटर साइंस क्वालिफिकेशन थी उस नौकरी की, और लोगों की मेजों के नीचे घुस के टेलीफोन ठीक करने का कारोबार था मेरा, करती थी। पहले 10 साल ऐसी जिल्लत में शिद्दत में गुजरे कि बयान से मैं कह रहा यार मर जाए आदमी इससे, तो ऐसा स्यापा करने से पहले टूर पे भी ज़्यादा पड़ता था, और टूर पे इतने कम पैसे मिलते थे सरकारी नौकरी में कि पल्ले से खर्च हो जाते थे इतनी देर पर। एक तो वैसे सिर दर्द मुसीबत और ऊपर से साले पैसा से रोने जैसी हालत, चिकन फीड पे गुजारा। 10 साल ऐसे गुजारे, उसके बाद थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने अपने मैनेजर को कहा कि मैं टूर पर नहीं जाऊँगा, आप मेरे से 2 आदमियों का काम करा लो, मेरे को डेस्क वर्क दो, लोकल कोई काम बता दो, मैं टूर पर नहीं जाऊँगा। पहले तो बहुत खफा हुआ, उसने जब देखा कि ये हिलने वाला नहीं है तो उसने सच में ही 2 आदमियों का ही काम कराया मेरे से, लिहाज कोई नहीं किया मेरा। तो 10-12 साल इस चक्कर में गुजरे, उसके बाद फिर वो कुछ डिपार्टमेंट का प्रमोशन में मैं ऑफिसर ग्रेड में आ गया, उसके बाद नौकरी कंफर्टेबल हो गई, उसके बाद मेरी 3 प्रमोशन एज ऑफिसर भी हुई। तो आखिरी 10 साल में ऐसा माहौल था कि भी मैं क्यों नौकरी करता हूँ, 8 घंटे यहाँ बर्बाद करता हूँ, 1000 रुपये 1100 रुपये मेरी तनख्वाह है, और 80,000 रुपये मेरे को, 1,00,000 रुपये मेरे को नावल के मिलते हैं, यही 8 घंटे छोड़ के मैं एक नावल फालतू लिख लूँ हो जाएंगे। लेकिन तब मैंने इसलिए नहीं छोड़ी कि डिफिकल्ट पीरियड तो मैंने गुजार लिया, अब कंफर्टेबल टाइम आया है तो मैं नौकरी छोड़ दूँ, काहे को छोड़ दूँ, अब तो पिकनिक है, इसलिए नहीं छोड़ी। मैं परचेज मैनेजर था, एक सेक्शन का इंचार्ज था, स्टोर एंड परचेज कहते थे, P&S परचेज एंड स्टोर। अब यकीन करना पूरे हफ्ते का काम मैं शुक्रवार को करता था 4 घंटों 4.5 घंटों, और वो सफिशेंट होता था पूरे हफ्ते के मेरे ऐप छुपा लेने के लिए, किसी को पता नहीं लगता था कि मैंने हफ्ता काम नहीं किया। सुबॉर्डिनेट कोई बिल लाए कोई वाउचर लाए सब मैं ट्रे में रख दो करता रहता था। सवेरे शुक्रवार को 10 बजे लगता था, चाहे 5 बजे चाहे 8 बजे 10 बजे सारा निपटा के बाकी 5 दिन करता ही नहीं था, कोई इमरजेंसी आ जाए कुछ तो फिर कहाँ मिलती है ऐसी नौकरी। मैं दफ्तर बैठ के भी नावल पढ़ता था या ये रीडर्स की चिट्ठियाँ लिखता था, इसलिए नहीं छोड़ी नौकरी। अच्छा, 2 सवाल हैं। एक, आप इंडिया में पल्प फिक्शन का जो रिवोल्यूशन आया है ना, लुगदी साहित्य जिसको यहाँ कहा जाता है, क्योंकि उसका जो कागज था मेरे ख्याल से वो लुगदी से बनता था, हाँ, तो उससे वो लुगदी साहित्य शब्द आया, तो उसके प्रतिनिधि राइटर्स में से एक हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो हमने बड़े होने के क्रम में मनोहर कहानियां पढ़ी या उसके बाद भी, तो एक मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे ये जुमले कि वो तो सुरेंद्र मोहन पाठक टाइप की किताबें पढ़ता है या वेद प्रकाश शर्मा टाइप की किताबें पढ़ता है। जैसे मेरे एक मौसा जी थे लखनऊ में, सचिवालय में थे, तो उनके घर के एक ड्रॉर में आपको बोतलें और एक ड्रॉर में ये पल्प फिक्शन वाले नॉवेल, दो चीजें बड़ी अफराद में मिलती थी। पर इधर मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया के दौर में जो आपकी फैन फॉलोइंग है या जो और लोग हैं जिन्होंने पढ़ा देखा जाना,
वो नए सिरे से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं. मतलब देखो जी, ये बैरियर तोड़ने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है. मेरे सामने तो कोई मेरी तारीफ नहीं करने लगा इस बात की, लेकिन मेरे बाद में लोग याद करेंगे, रिकलेक्ट करेंगे, तो उनको ये याद आएगा कि ये बैरियर ब्रेक करने वाला एक ही बंदा है जिसका नाम एस एम पाठक था. ये जो पल्प का बखेड़ा था ना, ये इस बात में फंसा दी था कि पल्प उसको इसलिए कहते थे कि वो कागज रिसाइकल्ड होता था. उन्होंने कंटेंट को भी पल्प बना दिया, जो कि जुल्म था. देखो ना, ये एक हल्के सस्ते कमजोर कागज पे किताब छपी है, लेकिन कंटेंट तो हल्का सस्ता कमजोर नहीं है. उन्होंने एक मुहावरा ही जोड़ दिया कि जो ऐसे कागज पर छपा है, और अकादमिक लहजे में बड़ा उसको नीची नजर से देखना, ऐसे ही है, चलता वो सिलसिला है, जो कि जुल्म है. कभी मैं लिटरेरी वो फेस्टिवल में कहीं ग्रुप डिस्कशन होती है, तो वो जब वर्ड यूज करते हैं ना पल्प साहित्य, तो मेरे को बड़ा एतराज होता है. मैं कह यार, या इसको पल्प ना कहो या साहित्य ना कहो, दोनों बातें तो हो नहीं सकती हैं. जब तुम साहित्य मान रहे हो तो फिर बहस की जरूरत ही नहीं है, उठो सारे जने, खत्म हो गई बात. यही तो मुद्दा है इसका, पल्प और दूसरे लिटरेचर में कंपैरिजन का. जब आपने खुद ही इसको साहित्य मान लिया, तो फिर अब बहस किस बात पर हो रही है? या फिर इसको पल्प ना कहो. वो किसी के पल्ले तो पड़ती नहीं है, बात अपनी जीत तो रखनी है. मैं जो जिस बात की वाह वाही लूटना चाहता हूँ, वो ये है कि मेरे मन में इन्होंने, ये जब आरपर में थी तो इनकी जो चीफ एडिटर थी, एक दिन हमारे घर में आई थी हमारे लिए देखो, तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई. मैं कह यार, वो तो फॉरेन का पब्लिकेशन है. मैं क्या, आप हिंदी छापते हो? कहते हो हाँ. कैसे बोली, कुछ दो चार किताबें हिंदी की साथ में लाए भी थे, वो बिल्कुल सेलेबल किताब नहीं थी, मार्केट में उसका गाहक नहीं था. बस वो बड़ा पब्लिशर ही छाप सकता था, उनको जिसने हाजिरी लगानी हो कि भी मैं हिंदी भी छाप रहा हूँ. इसमें ऐसे वो छापी हुई किताबें थी, उसमें कोई बिजनेस का सेल का कोई पोटेंशियल नहीं था. तो मैंने बैरगुल से ये भी पूछा, देखे इंग्लिश के तो आप बड़े पब्लिशर हो, कहे हाँ 150 किताबें छापते हैं साल में. मैं कह हिंदी की, कह रही 10. मैं कह यार, ये मेरा क्या भला करेंगे, इनका तो फोकस ही नहीं है हिंदी पे. इन्होंने तो इसलिए भारत सरकार को हाजिरी लगानी है कि आप तुम्हारे मुल्क से काम कर रहे हैं तो हिंदी भी छाप रहे हैं. और ये हकीकत है, जितने फॉरेन के पब्लिशर हैं, उन्होंने हिंदी की पूछ इसीलिए लगाई हुई है कि ये जाहिर करेंगे कि हम हिंदी के भी प्रकाशन का उनकी कोई रुचि नहीं है इस मामले में. तो मैंने मना कर दिया. उसके बाद वो आगे सिलसिला चला, मेरा जो रेगुलर पब्लिशर था उससे झगड़ा हो गया गंभीर, तो बेरोजगारी का हाल हो गया इतने नावल लिख चुकने के बाद. आपके हिंद पॉकेट बुक छापता? नहीं, ये एक राजा पॉकेट बुक इतने भी छापे हैं, हाँ, हिंद में छापे हैं, लेकिन जबकि मैं बात कर रहा हूँ तब तक हिंद बंद हो चुका था. तो ये श्रिंकिंग ट्रेड था, दो चार पब्लिशर रह गए थे, तो मैं तो बेरोजगार हो गया खड़े पैर बैठे. तो फिर हिम्मत करके मैंने इनके वो कार्तिका को मेल भेजी हार्पर में. हाँ, मैं कभी 5 साल पहले तुमने मेरे घर आके मुझे ऑफर की थी, आप अभी भी इंटरेस्टेड हो? फट जो आप आ गए, हाँ इंटरेस्टेड है. तो इस वजह से तो मैंने पहली किताब लिखी. कोलाबा कौन सा था पहला? वो था कोलाबा कॉन्स्पिरेसी. उसने तो एक इंकलाब खड़ा कर दिया. यार ये लल्लू राइटर है, इसकी यहाँ कैसे किताब जम गई? उनके ऐसे लगा कि जैसे कोई किसी की अकिंचन की कोई हैसियत बन गई हो. तो वो चुप, नावल चल भी बहुत गया. उसके बाद निष्ठा से लिखा, अच्छा छापा, शक्ल से ही पता लगता था भी उस किताब के मुकाबले में जमीन आसमान का फर्क है. तो उसके बाद फिर अब तो मेरे को कोई नहीं कहता पल्प का राइटर. ये आत्मकथा का पहला खंड है, दो खंड और आने हैं, पर आपने तो मेरी जानिब एक ही बार में सब लिख डाला. अभी तैयार है, आप ले जाओ पढ़ने के लिए. पर आपका लिखा बड़ा बारीक है, मैं आपकी पांडुलिपि देख रहा था, वो टाइप हुए बिना पढ़ना मुश्किल है. अब मैं इतना बारीक तब लिख लेता हूँ जबकि आई एम प्रैक्टिकली ब्लाइंड बाई राइट आई जी. हाँ, बहुत कम दिखता है मेरे को दाई आंख से. अब बाएं भी चश्मे के बिना नहीं काम चला सकता मैं अपना. हो जाता है यार, नियत होनी चाहिए. कौन सा काम कठिन जग माही, कर्म ही नर का छुपावे. पाठक साहब एक बात बताइए, ये मेरे लिए और जो भी मेरी उम्र के हमारे बाद के लोग देख रहे हैं उनके लिए बड़े सीखने की बात है. आप इतने कामयाब हैं,
है ना, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला नॉवलिस्ट, इतनी किताबें लिखी हैं, मतलब एक आध बरस में 300 पार हो जाएगा आंकड़ा, है ना, मतलब यही आदमी कहता है कि दो खंड जोड़ दें तो ही 300 हो जाएगा। पर आप जब बात करते हैं तो विनम्रता बहुत रहती है, और वो ओढ़ी हुई विनम्रता नहीं, उसमें नकलीपन नहीं है। और आपकी अगर मैं ऑटोबायोग्राफी का पहला पन्ना खोलूं तो सैमुअल गोल्डविन को आपने कोट किया है कि मेरी राय में आदमजात को अपनी आत्मकथा तब तक नहीं लिखनी चाहिए जब तक कि वो इस फानी दुनिया से रुखसत ना पा जाए। उसका कहने का मतलब यह था कि अपनी लाइफ में आत्मकथा लिखना दुश्मन बनाने के बराबर है। हाँ, दुश्मन बनाने के बराबर। मर गए जगजीत सिंह, जिंदा होते तो आपने उनको जिस तरीके से सच्ची मुच्ची का नंगा किया है, या उनका जो किस्सा बयान किया है, वो किस्सा बताइए हमारे दर्शकों को, वो जो नाड़े वाला है, वो कमाल किस्सा है। भाई क्या करें, बड़ा रौनकी बंदा था, बहुत आनंद करता था, बड़े गुण थे उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस दर्जे तक उसके कैरियर ने आगे पलटी खाई तरक्की की, वो किसी ने सपने में नहीं सोचा, शायद उसने खुद भी नहीं सोचा होगा। हाँ। खुद भी नहीं सोचा होगा। उसने बड़े छोटे छोटे काम किए, बॉम्बे में शादी ब्याहों में गया, जिंगल्स को आवाज दी, कहीं कुछ है, फिर पता नहीं कैसे ये इतनी बड़ी जिंगल्स गाने के क्रम में ही वो पहली मर्तबा चित्रा के पति से मिले थे। जो ये उसने ही मोटिवेट किया ना, सबसे पहले तो उसकी दाढ़ी मूछ उसी ने कटवाई थी, तो बाद में तो ये भाई बड़े उसमें फखर से कहने लगा था कि मैं मेहंदी अली से बड़ा वो सिंगर हूँ, वो मेरी नकल करता है, वो जो पाकिस्तान का गुलाम अली मेहंदी हसन कि वो मेरी नकल मांगता है, ये तक कहा उसने। अच्छा, ऐसा बयान है, कैसा है तो नहीं है, देखो उसकी आवाज तो है, बड़ी मखमली सी आवाज निकलती है उसकी। मैं वो किस्सा पूछ रहा था जो आपने लिखा है किताब में, जिसमें वो नाड़ा दाग। हमारे यहाँ डीएवी कॉलेज का जो हॉस्टल था, बड़ी शर्म की बात थी कि पंखे नहीं थे, 650 कमरे थे, कहीं भी पंखा नहीं था। तो अब बताओ मई जून की गर्मी का आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, पंखे भी ना कैसे कटे। तो उन दिनों कुछ ऐसा होता था कि वो ये कॉलेज शहर की आबादी से बाहर था, तो देर सवेर हवा चल पड़ती थी, तो लोग बरांडों में गप्पे मारो ये करते रहते थे, यार जरा कुछ ठंडक का माहौल होएगा तो फिर सोएंगे। उस वक्त फिर जगजीत सिंह की अपनी जमात खड़ी हो जाती थी, बातें कर ये कर, तो गर्मी लगती है, गर्मी में तो सरदारों का तो वो जो कचहरा होता है इसमें और कुछ भी नहीं पहनता था, वो उनका एक खास तरह का बहुत कपड़े से बनता है, बहुत बड़ा होता है, इकट्ठा होके वो कच्चा सा लगने लगता है, तो अच्छा। वो हाँ उसका लंबा डाला और कुछ नहीं पहना, गर्मी लग रही है क्या करे, मजबूरी है, बाकी जने भी ऐसे ही करते थे, तो वो डाला उसका वो दांत में दबा के बातें कर रहे हैं और पता नहीं कब उसको खींच देता था कच्चा टखनों में, और ये जाहिर करता है मेरे को नहीं पता लगा। अब दूसरे टोकते थे जगजीत सिंह हाफी है, और तेरा कचहरा क्यों है उन्हों, और तेरे पैरों में और तेरी पैर, फिर उठा के इस हर तीसरे चौथे दिन ये स्टंट वो करता, ये स्टंट करता था। दूसरे ये था कि जबरदस्ती गाने सुनाता था लोगों को, डांट खाता था, यार तूने तो पास होने नहीं दे, हमें तो पढ़ने दे, और ये पास हुआ भी नहीं था, बीएससी में फेल था, सेकेंड अटैम्प्ट में पास हुआ था। अब देखो हारमोनियम बजाता था ये, उन दिनों अनाड़ी फिल्म आई थी, वो गाना बड़ा चला था, सच्चा दुनिया वालों हमें अनाड़ी, तो उस गाने की एक खूबी थी कि मुकेश की आवाज़ थोड़ी थी और ऑर्केस्ट्रा ज़्यादा था, लाइनों के बीच बीच में बड़े लंबे तोड़े थे ऑर्केस्ट्रा के, तो ये हारमोनियम पे वही इफेक्ट पैदा कर देता, और उसके बाद एक जरा क्लाइमेटिक सा आता था ना, जोर से साज बजते हैं ऐसे करके, तो उसके आने से पहले ये जोर जोर से हवा भर लेता था हारमोनियम में, और दोनों हाथ छोड़ देता था और पियानो की तरह हारमोनियम बजता, क्या असर होता था। ये कहता था मुझे दुनिया के किसी कोने का तारों वाला तार दे दो, कजाकिस्तान का हो, साला इस्तांबुल का हो, टर्की का हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, आधे घंटे के लिए मेरे को दो, जो गाना कहोगे सुनाओगे, उस साज पे इतना कॉन्फिडेंस था।
एक रेजोनेंस का एक्सपेरिमेंट होता था साइंस फिजिक्स में, हाँ जी रेजोनेंस का होता है ना, ट्यूनिंग फोर्क उसे मारते हैं वो तारों को एक उस पर ट्यून करना होता है, तो ये ऐसे ऐसे करके ही कर देता था, ट्यूनिंग फोर्क इशू नहीं कराता था। तो उसके अभी देखो इंस्ट्रक्टर को कहते देखो ये मेरा ठीक हो गया है, ओए जगजीत सिंह तूने ट्यूनिंग फोर्क तो इशू कराया नहीं, मेरे को नहीं पता, आप ये देखो ये ठीक है कि नहीं है। वो कहता था यार है तो ठीक पर ट्यूनिंग फोर्क बिना कैसे कर लिया तुमने। बढ़िया पाठक जी, ये हमारे लिए बहुत सुकून की भी बात है और सौभाग्य की भी कि आप लोग आपसे इतनी तफसील से हमने बात की। इस बात को मैं यहाँ पे इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी बातचीत का सफ़र किताब के सिलसिले के साथ आगे बढ़े, तो जब दूसरा खंड आएगा तो हम फिर से आपके पास आएंगे, वेलकम, और तीसरा आएगा फिर आएंगे, आते वैसे भी रहेंगे, वेलकम, पर पाठकों के लिए एक सिलसिला बना रहे सुरेंद्र मोहन पाठक का, वेलकम, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा आप लोगों से इस बात की वकालत करता हूँ कि बेहतर इंसान वही होते हैं जिनके इर्द गिर्द किताबें हों, और उन किताबों को लिखने वालों तक हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे dhillalantop.com के जरिए। आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं और आपको इस बुजुर्ग की इतने समृद्ध जीवन को जीने वाला, इतने किरदारों को गढ़ने वाला ये बुजुर्ग जो आज भी वात्सल्य से भी भरा हुआ है और विनम्रता से भी, उनकी बतकही, उनका कहन, उनकी सीख पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। जो दोस्त नॉवेल पढ़ने के शौकीन हैं, क्राइम थ्रिलर सस्पेंस पल्प फिक्शन नहीं कहूँगा, अब वो परिभाषा मैंने हमेशा के लिए तज दी है, तो उनको ज़रूर मेंशन करिए, टैग करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने अब तक ललन टॉप के फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो इस काम को फटाफट अंजाम दीजिए। जो साथी यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को दी ललन टॉप को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही इस तरह की वीडियोज अपलोड हो जिसमें हम ललन टॉप चिकोलाइट भैरंट शख्सियतों से मिलते हैं आपको फौरन से इत्तला हो जाए। शुक्रिया।